ओके, तो हमारे पास है ढेर सारे फ्रेश फ्रेश अंगूर के रखा हुआ। गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये जो है एकदम फ्रेश फ्रेश अंगूर है ये, और ये डायरेक्ट मैं अभी तोड़ के ला रहा हूँ खेत में से। डायरेक्ट नेचर में पाए जाने वाले बहुत से ईस्ट और बैक्टीरिया ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी प्रकार के शुगर को, तो शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ करके वो बना देते हैं अल्कोहल। फर्मेंटेशन देखिए बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो अल्कोहल बनाता है, एक जो होता है लैक्टिक एसिड बनाता है। जैसे आप जो दही दूध खाते हैं, दूध से जब दही बनता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो जो है उसमें लैक्टिक एसिड बनाता है, अल्कोहल नहीं बनाता है। लेकिन आज का जो हम फर्मेंटेशन करने जा रहे हैं वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने जो है पानी को पहले उबाला है, उबाल के ठंडा किया है, उसी पानी से हमने धुल के लाया है। इसका धोने का मेन उद्देश्य है इसके इसमें जो पेस्टिसाइड है वो निकल जाए। इस प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइज करने के लिए एक स्टरलाइजेशन पाउडर आता है, उसको पानी में गर्म पानी बॉयल पानी को ठंडा कर लेते हैं, उसी पानी में घोल लेते हैं, फिर उसी से धुलते हैं, जो कि मैंने नहीं किया है, ठीक है। अगला स्टेप है और इसका जूस निकालना। जूस निकालने के लिए हम मैकेनिकल मेथड यूज करेंगे। मैकेनिकल मेथड के लिए हमारे पास एक जो है बहुत बड़ा मशीन है, और उस मशीन का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। नहीं, ये लोग गलत चीजें में इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, तुम्हें पता नहीं होगा। इस तरह से देख सकते हैं इसके सारे जो है जूस बाहर आ रहे हैं, और करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है। तो छान के ना पहले एक कप तो मैं पी लूंगी। वाइन में कितना परसेंट अल्कोहल रहेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने शुगर की मात्रा है। शुगर की मात्रा को जानने के लिए आपको चाहिए रिफ्रेक्टोमीटर, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको जानना बहुत आसान है, आपको ज्यादा नहीं, दो ड्रॉप यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे डाल दीजिए जिसको आपको देखना हो, और फिर उसको यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ पे एक आईपीस बना हुआ है, और लाइट के सामने, जैसे सामने लाइट है उसके सामने आप ऐसे आकर के देखेंगे तो आप एक जो है ब्लू और वाइट लाइन का एक बॉर्डर बन जाएगा। उसी बॉर्डर के बीच में जो लाइनिंग देखेगी वही उसका परसेंटेज होता है। ओके, अगला स्टेप है जो कि मैंने आपका ये मेस्ट ग्रेप्स बनाए रखे हैं, इस चीज को किसी बर्तन में ट्रांसफर कर देना है। और इस स्टेप पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो अंगूर के स्किन के ऊपर जितने भी नेचुरल बैक्टीरिया हैं या नेचुरल ईस्ट हैं, अब ये एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि सारा जूस बाहर आ गया है, तो बहुत तेजी से फर्मेंटेशन करेंगे। इसको बोलते हैं प्राइमरी फर्मेंटेशन, एक होता है सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो कि अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। और साथ में प्राइमरी फर्मेंटेशन इसलिए किया जाता है कि जिसमें जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, तो उसको मारने के लिए जो अगर इसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया, अच्छे वाले ईस्ट जैसे ही डोमिनेट करेंगे तो खराब वाले बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको बैक्टीरिया मारने का कोई और भी नेचुरल बहुत से तरीके ऐसे हैं जो उसको आप मार सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए लौंग चाहिए, और देखिए हमारे पास ये गर्म मसाला है, इसमें से आप जो है लौंग निकाल लीजिए, और आप सब चाहो तो इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं। इसमें जो है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के जो जितने भी मसाले होते हैं ये जो है इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। और अब आपको चाहिए कोई कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा, उस जिस कपड़े से आप इसका मुंह इस तरह से बंद कर सकते हैं। और अगला जो स्टेप है, आपके घर में कोई महिला, औरत या लड़की जरूर होना चाहिए जिसके हेयर से आप इस तरह से हेयर बैंड निकाल लीजिए, और इसी हेयर बैंड से आप इसको जो है बंद कर दीजिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो मैंने अभी खड़ा मसाला डाला है, इसको डालने से एक और फायदा होता है जो अंग्रेज लोग को नहीं पता है, उसको बोलते हैं फ्लेवर। इसके फ्लेवर जो है, अब वाइन जो आपका बनेगा वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर वाला बनेगा। ओके, तो अगला स्टेप है, इसको रखने के लिए आपको डार्क में रखना है। डार्क में रखने के लिए किसी भी प्रकार के कपड़े से इस तरह से ढक दीजिए ताकि इसकी रोशनी ना आए। ऐसा करने से जिसमें जो खराब वाले बैक्टीरिया उसको मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसका स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। और ये है जब मैंने भरा था तो इतना खाली था, इसमें भी इतना खाली था, अभी जो है थोड़ा सा हाइट भी इसका ऊपर हुआ है। इसका मतलब इसमें जो है जो गैस बनते हैं ना फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से जो है उसके जो छिलके हैं, छिलकों के बीच में हवा भर जाता है, इसके वजह से उसकी हाइट ऊपर हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है इसको प्राइमरी कल्चर लगाया था एक हफ्ते के लिए, जो कि आज शायद से चौथा या पांचवा दिन है। कुछ लोग इसको 24 घंटे छोड़ते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 4 दिन, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 7 दिन, कुछ लोग 10 दिन, डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट में कितना शुगर है, उसी शुगर के हिसाब से उसको लंबा छोड़ा और पकड़ा जाता है। और एवरी डे हम इसको जो है घुमाते रहते से दो फायदे हो सकते हैं। एक फायदा, एक जो आप बाहर आप सॉलिड आप देख रहे हो, ये वाला सॉलिड ये क्या है, डायरेक्ट एयर के कंटेक्ट में है। जब एयर के कंटेक्ट में होता है तो इसमें फंजाई का भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इस वजह से आपको हमेशा वेट करते रहना है, घुमाते रहना है। नंबर दो, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पर कुछ हैवी वेट रख दीजिए ताकि इसका जो सॉलिड वाला पार्ट है वो अंदर चला जाए पानी के, तो इस पर इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर तीन, जो हिलाने का जो फायदा होता है कि उसमें क्या होता है, जितने भी इसमें माइक्रोब्स हैं, ईस्ट हैं, वो ग्रो उनको होने में और भी आसानी होती है।
और टेम्परेचर जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो, जहाँ पे आप खाना बनाते हो, खाना जहाँ पे बन जाए उसी के आसपास किचन के अगर रखेंगे तो ये जो है प्रक्रिया थोड़ा सा जल्दी होगी है। तो अगला स्टेप क्या है, हम इसको जो है जो हमारा ये सॉलिड पार्ट है इसको यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए हमने जो है इसको छानना है। और एक चीज मैं बता दूं, इसको सूंघने से ही बहुत ज्यादा अल्कोहल जैसा फीलिंग आ रही है अभी से। तो जो है बबल देख रहे हैं ये दरअसल में कार्बन डाइऑक्साइड है। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अब हम बात करते हैं इसके कि इसका क्या करना है। इसको डील करने के लिए हमारे पास एक इस प्रकार का बड़ा वाला बाटल है, और जो आपको भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपके लिए, लेकिन आप मुझे लगता है कि आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि वाला जरूर रखें अपने पास। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का आप अंगूर लेंगे उसी प्रकार से बनेगा, तो एक प्रकार से व्हाइट वाइन बनेगा, ये रेड वाइन नहीं बनेगा। ओके, इसको ट्रांसफर करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको और बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो है अल्कोहल का परसेंटेज भी आप नाप सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो इसको जानने के लिए हमको ये आपको चाहिए एक हाइग्रोमीटर। इसको मेजर करने के लिए आप जो है इसके मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, ऊपर बहेगा, बहने दीजिए। मैं इसको वापस गिरा देता हूँ, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। हालांकि इसमें अल्कोहल का परसेंटेज अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्कोहल अभी इसमें मात्रा बहुत कम है। ओके, तो इस तरीके से हमने सारा फिल्टर इसके अंदर डाल दिया है। अब यही स्टेप है जिसमें आपको डालना है, कहाँ गया, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है कि अभी तक जो हम इसमें बना रहे थे कि इसमें जितने भी नेचुरल ईस्ट थे वही ईस्ट अपना काम कर रहे थे। 7 दिन में इतना पर्याप्त टाइम होता है कि इसमें जितने भी शुगर थे वो सारे को शुगर को तोड़ करके फर्मेंट कर चुके हैं। अब हमको एडिशनल ईस्ट डाल रहे हैं ताकि इसको और अच्छे से फर्मेंट पूरा किया जा सके। और हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि ईस्ट कौन सा डाले, ईस्ट कौन सा डाले। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आप किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार का ईस्ट डाले, सारा ईस्ट का काम एक ही है। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसा दावा करती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा म्यूटेशन करके बनाया है कि ये वाला हमारा लोगे तो हमारा ज्यादा अच्छा बनेगा वगैरह वगैरह। तो यह रेड स्टार कंपनी का आप देख लीजिए कि यह लाल विन कंपनी का है, तो जो आपको अच्छा लगे डाल सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी परचून की दुकान पर जाइए, ईस्ट मांगेंगे, इसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, खमीर के नाम से मिलता है। तो इसको हम डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे इसमें। ईस्ट में जानकारी के लिए बता दूं, ये दरअसल में एक यूकेरियोटिक सेल ही है, ये जैसे हमारे आपके शरीर में पाया जाता है। लेकिन हमारा शरीर अच्छे से टूट फट जाता है, लेकिन ये फट नहीं रहा है। और इस तरह से होता है, और दरअसल में अभी मरा हुआ है, मरा नहीं है, सुसुप्तावस्था में। सुसुप्तावस्था से जगाने के लिए इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो इसको जग जाता है। जब जगने के बाद लगता है कि हे भगवान मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर उसको जागने के बाद ही उसके मुंह में थोड़ा सा उसका शुगर डाल दीजिए तो उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले रोता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो क्या करते हैं कि उसके मुंह में तुरंत दूध पिला दिया जाता है। हमने यहाँ से ईस्ट डाल दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं चीनी का, 1/2 किलो के आसपास, ठीक है। और चीनी को डालने से पहले हम इसको अच्छे से घोलेंगे। अगला जो स्टेप है आपको करना, वो है आपको चाहे मार्केट में मिलेगा स्टॉपर, यहाँ से लगा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉपर का काम क्या होता है। तो इसमें जो अल्कोहल है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसका जो है एक्चुअल अल्कोहल आपका खराब हो जाएगा। अगर हम इसके मुंह को इस तरह से खुला रखेंगे तो जो है इसमें जो ऑक्सीजन का आदान और प्रदान होता रहेगा इस चीज को स्टॉप करने के लिए। और इस स्टॉपर में क्या होता है कि ये जो है वन वे एयर पास हो सकता है, नीचे से ऊपर आ सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में जो है पानी का जो है लेयर आ जाता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो है ईस्ट है, ईस्ट जो है शुगर को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस होती है, अल्कोहल जो है लिक्विड होता है। जब भी गैस बाहर निकलेगी तो ये जो है इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी, लेकिन कोई बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा। अब इस चीज को आप करके छोड़ देना है, कितने दिन के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको 10 दिन तक के लिए छोड़ूंगा। और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें है ढेर सारे जो है बबलिंग हो रहे हैं, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे दस दिन बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जो सॉलिड है ईस्ट वाले जो नीचे बैठ गए हैं, और बीच में जो है मिडिल वाला लेयर है, टॉप वाला क्लीन लेयर है। तो अब समय आ गया इसको साइफन करने का। हमारे पास एक साफ सुथरा ट्यूब, इसको मैंने अच्छे से धुल लिया। इसको उतना ही नीचे लेके जाना है जितना आपको चाहिए, याद रखें आपको ज्यादा नीचे तक नहीं लेके जाना, नहीं तो फिर से जो है वो चीजें चली आएंगी इसमें जो हम नहीं चाह रहे हैं कि आए।
ओके, इसका स्मेल जो है एकदम वैसे ही आ रहा जैसा आना चाहिए इसको। हाँ लाइट, जब तक इतना साइफन हो रहा है तब तक मैं इसका चेक करता हूँ एल्कोहल लेवल। एल्कोहल लेवल चेक करने के लिए हमने जो है पहले इसको हम डाल देंगे किसी भी सिलेंडर में एल्कोहल नापने के लिए, और इसको सिंपली ड्राप कर देना है। ड्राप करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना ताकि किसी भी प्रकार का, इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि पूरा पकड़ लिया है नीचे तक। तो इसका परसेंटेज कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अगला काम है हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना जो है इसमें ईस्ट का रिमेन इसमें जमा हुआ है नीचे, इसको हटा देते हैं नहीं तो कपार पे गिर जाएगा। ठीक है, मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, गंदा सा मड़गिल्ला सा। ठीक है, और हम जो है अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और इसको यहाँ से निकाल देते हैं। धुलने के लिए जाएगा भी ये, इसको हम इधर कर देते हैं। पीने के लिए जाएगा भी ये। ओके, तो अगला काम है बॉटलिंग करना। बॉटलिंग करने के लिए आपको चाहिए इस तरह से सुनहरा बॉटल, और उसमें भरिए और उसमें एयर टाइट कॉर्क लगा के बंद कर दीजिए, और इसको जिंदगी भर के लिए छोड़ दीजिए। 10 साल 20 साल 25 साल जितना पुराना उतना अच्छा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैंने वाइन खरीदा था 2019 में, आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है अपना अमेरिका, उसको ब्लॉगिंग के लिए मैं जो है गया था एक जो है वाइनरी शॉप में, अंगूर के खेत में गए थे। वो अंगूर से तोड़िए और अपने हाथ से आप दारू बना लिए और घर लेके आइए। तो मैं दारू वहीं से लेके आया था, वाइन तब से लेके आज तक हमारे घर में पड़ा हुआ है। उसका कारण यही कि हमारे घर में कोई पीता नहीं है, ना तो मैं आपको सलाह दूंगा पीने के लिए। लगभग 4 साल हो गए हमारे घर में पड़ा हुआ है, अब जिंदगी भर यहीं पड़ा भी रहेगा। मैं सोचा था किसी को दे दे, लेकिन अब मैं सोच रहा रखूंगा इसको अपने पास, क्योंकि अगर 20 साल 25 साल 30 साल तक अगर जिंदा रहे तो इसके बारे में भी एक ब्लॉगिंग बनाने का एक कंटेंट मिलेगा। हा हा हा। लेकिन जो दारू हमने बनाया है उसको टेस्ट करना तुम्हारा बनता है। हमारे देश में बहुत लोग वाइन खरीदते हैं, वाइन बेचते हैं, लेकिन पीना किसी को नहीं आता है। लेकिन इसके लिए हमें आपको लेकिन मैं आपको पीना भी सिखाऊंगा, और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा उधर। जैसे कि आप जानते हैं कि दारू पीते हैं तो उनके पास एक प्रक्रिया होती है कि इसको जल में छिड़क करके 1, 2, 3, 4, 5 बार पृथ्वी माता को पिलाते हैं। तो हम भी वही करने जा रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये क्या, सारा मेरा दारू तो चढ़ावे में चला गया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ओ माय गॉड, सारा मेहनत बर्बाद। अगर हमारा वीडियो देख करके आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, अगर कर दिए हो तो 4-6 लोगों को भेज दें जिसको लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो हमारा वीडियो भेज दीजिए। बाय बाय।